हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग। ये हमारा होटल था, पीछे में आपको दिख रहा होगा कि यहीं पे हम ठहरे हुए थे। काफ़ी पुराना है, काफ़ी पहले का बना हुआ है होटल यंगरीगंग। सामने में ऐसे बाइक रखने की जगह आप बाहर ही रख सकते हो, अंदर में कहीं रखने का ऐसा हिसाब नहीं है। पूरे युक्सम में मुझे दिखा नहीं वैसे। तभी मैंने अपनी बाइक पे लगेज वगैरह हम दोनों ने नहीं लगाया है। यहाँ से हम जाएंगे कथकली से फिर वापस आएंगे इधर। ये हमारा अभी का प्लान है फिलहाल का। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर कथक लेक। बाइक आपको दिख रहा होगा, बाइक की हालत गंदी सी हो रही है। चलिए चला जाए। जगह जगह आपको दिखेगा यहाँ ट्रैकिंग ऑफिस बना हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत ज़ोर होती है। मेनली युक्सम लोग आते हैं ट्रैकिंग के लिए आते हैं लोग ज़्यादातर। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा युक्सम है। बहुत ज़्यादा एंशिएंट विलेज है ये सिक्किम का। युक्सम की मेन खासियत यही है, पहला कैपिटल था सिक्किम का, और ये आपको ना बहुत ज़्यादा एंशिएंट वाइब्स देगा। बिकॉज वही है कि शुरू यहीं से हुआ था, बहुत सारी चीज़ें या इंटैक्ट पहले जैसी थी वैसी ही है। हमारा जो होम स्टे था, जो होटल जहाँ हम स्टे कर रहे थे, वहाँ से 600-700 meters ही दूर था, बहुत ज़्यादा कुछ दूर था नहीं। तो ये है कथक लेक का एंट्रेंस। हम आगे बढ़ गए थे, हमें पता ही नहीं चला बिकॉज यहाँ कहीं वैसे अलग से लिखा हुआ नहीं है। कथक लेक इको पार्क। सो गाइज, हियर वी आर एट कथक लेक। अभी जस्ट खुला ही है, हम पहले ही लोग हैं जो एंटर किए हैं। हम दो जन ही पहले सबसे पहले एंटर किए हैं। सही लग रहा है वैसे। क्या हिस्ट्री है लेक का? अच्छा, तो यहाँ पे कथक लेक के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ का सीक्रेट लेक है। आपको बाकी डिटेल्स पढ़नी हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हम यहाँ से निकल रहे हैं कथक लेक से, तभी हम बढ़ रहे हैं हेलीपैड की तरफ। तो वैसे कथक लेक से लगभग 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है हेलीपैड। तो हेलीपैड जो है यहाँ पे बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस अगर हो जाए, अगर रेस्क्यू करना हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उस पर्पज़ के लिए रखा गया है हेलीपैड। तो वैसे ये वेस्ट सिक्किम का जो एरिया है ना, ये थोड़ा अलग ही है बाकी के सिक्किम के हिस्से से। यही हेलीपैड है ना, यहाँ से आपको पूरा युक्सम विलेज दिख जाएगा। काफी हद तक ये पूरा युक्सम है, जितना आपको दिख रहा है ऊपर दूर दूर तक, ये जितना भी है ये सारा पूरा युक्सम है। एंड दूर में वो सब जो दिख रहा है वो भी सिक्किम का हिस्सा है, मगर एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा है वो मुझे मालूम नहीं। सो गाइस, वी आर लीविंग हेलीपैड। उसे आने का मकसद था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, जस्ट आना था ऐसे ही तो आ गए थे। अभी फिलहाल हम बढ़ रहे हैं दुग्धी मोनेस्ट्री की तरफ, विच इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ सिक्किम। दुग्धी, अच्छा दुग्धी नहीं, दुग्धी है। 800 meters दिखा रहा है यहाँ से, पता नहीं मैप में 2 किलोमीटर दिखा रहा था, मगर यहाँ पे 800 meters दिखा रहा है, तो मतलब ये पास में ही कहीं पे। तो ये आ गए हैं हम दुग्धी मोनेस्ट्री। तो बाइक वाइक हम इधर लगा के जा रहे हैं दुग्धी मोनेस्ट्री की तरफ। रास्ता यही है ना? नॉट श्योर बाइक यार, यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ है, बट देन हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं कहीं लगाने का। ये आपको दिख रहा है रास्ता किस तरीके का है, 312 meters, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है हमें। तो अभी हम बढ़ रहे हैं ऊपर, पूरा जंगल जंगल है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुब्दी मोनेस्ट्री इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ सिक्किम। तो ये 1700-180 में बनी थी। चलिए पढ़ते हैं। गाइस हम यहाँ आ गए हैं मोनेस्ट्री। 10-15 मिनट से हम यहाँ बैठे थे, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। ये सामने में जो दिख रही है आपको, ये है मेन मोनेस्ट्री और एक मोनेस्ट्री है ये। मतलब ये उसका दूसरा हिस्सा है और आपको दिख रहा होगा जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी मोनेस्ट्री है। ऑलमोस्ट 350 साल पुरानी मोनेस्ट्री है एंड दूर दूर में आपको दिख रहा होगा सारे पहाड़ से घिरी हुई है। पीछे में दिख रहा होगा ये भी सारे पहाड़ से घिरी हुई है। ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है अगेन फॉग की वजह से। तो इस बार आपको दिख रहा होगा ट्रिप में सब जगह दिख रहा होगा, जैसे फॉग की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो हम निकल रहे हैं मोनेस्ट्री से, बाइक उतर ही गए, तभी हम होटल जाएंगे, लगेज लेंगे, लगेज माउंट करेंगे। अभी बज रहा है 11:57, वही 12 बज गए। तो चलिए मैं आपको होटल चल के मिलता हूँ, लगेज वगैरह माउंट करके सीधा मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। गाइज लगेज वगैरह पूरा सेट हो गया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये रहा होटल यंगरीगंग। तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज अबाउट 55 किलोमीटर अवे, मतलब अभी जो ये हमारे होटल से 55 किलोमीटर दूर है। तो इस बीच में 2-3 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें रुकना है। थैंक यू फॉर विजिटिंग युकसोम। तो अभी हम निकल गए हैं युकसोम से, सिक्किम की बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस थी, वहां से निकल गए हैं। अब हम बढ़े हैं पेलिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा जो पहला पॉइंट पड़ेगा व्यू पॉइंट जहाँ पे हम रुकेंगे वो है कंचनजंगा फॉल्स। तो कंचनजंगा फॉल्स जो है काफी सारे लोग विजिट करते हैं, खास करके जो बंगाल की तरफ से आते हैं, ज्यादातर पैकेजेस में वो इंक्लूडेड रहता ही है। आई थिंक यही है कंचनजंगा फॉल्स। ये जो दिख रहा है आपको सामने में, दिस इज कंचनजंगा फॉल्स। हाँ वही बना दिया, तो एक स्पॉट बना दिया, एक टूरिस्ट स्पॉट। पास चल के देखते हैं, सब यहाँ कुछ होगा खाने का तो खाएंगे, आप भूख लग रही है। तो यहाँ आप जिप लाइन पे जा सकते हो, बहुत सही सा होगा, मगर अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है जाने के लिए तो हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ से वहाँ तक ही ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, काफ़ी लंबा नहीं है, शॉर्ट ही है। पानी कितना क्लीन है तो आपको दिख ही रहा होगा। एनीवेज चलते हैं, कुछ खा के आगे बढ़ते हैं। सो वी आर लीविंग कंचनजंगा फॉल्स, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स खिचियोपारी लेक। वैसे वहाँ जाने के लिए दो रास्ता है, एक अच्छा एक खराब। जो खराब वाला रास्ता है वो शॉर्ट है, जो अच्छा वाला रास्ता वो थोड़ा सा लंबा है। अब जैसा आगे चल के हम देखेंगे कितना ज्यादा फर्क है। अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ तो फिर हम लंबा वाला जो रूट है वो वाला ले लेंगे। वैसे अभी खिचियोपारी लेक के लिए हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाके फिर वापसी नीचे आना है। अप्रोक्सीमेटली 12-13 किलोमीटर नीचे आना होगा। साफ देख रहे होंगे रास्ता कितना ज़्यादा पतला हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे थोड़ा सा ये सब लगा रखा है, फेंसिंग कर रखी है। एक्चुअली में करना भी चाहिए इधर, बिकॉज रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला है। हालांकि यहाँ पे भी बीच बीच में आप देखेंगे फेंस नहीं है। तो वैसे हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ये बीच में आपको थोड़ा सा एक मार्केट एरिया मिलेगा। बाइक जो है हमको यहाँ कहीं पे पार्क करना पड़ेगा। तो ये बज रहा है 2:51, वही 3 बज गया है। तो बाइक हम इधर पार्क कर रहे हैं। तो इसका एंट्रेंस है, आपको दिख रहा होगा सामने में, वेलकम टू खिचियोपारी लेक। अच्छा खिचियोपारी लेक है, मैं उसको गलत प्रनाउंस कर रहा था। जा रहे हैं लेक की तरफ, थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा अप हिल है
अच्छा से यहाँ कहते हैं कि मतलब अगर आप कुछ विश करोगे तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। पता नहीं यार, मैं इस चीज़ पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जो बातें नहीं करता सो नहीं करता, मुझे नहीं समझ आता ये, हो सकता है सच हो। सही लग रहा है ना भाई? ना? बहुत अच्छा लग रहा है एटमॉस्फेयर यहाँ का, एकदम अलग ही है। अलग अलग पार्ट पे जा रहे हैं, अलग अलग। ये युक्सोम जैसा नहीं, ये कुछ ये अलग है। से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है यहाँ का। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो अभी हमारे साथ साथ यहाँ पे आए हैं ज़्यादातर, क्योंकि रिटर्न होने का टाइम अंधेरा हो रहा है। 4 बजे तो बंद हो जाता ना, खुल जाता 10 बजे। हाँ, अच्छा कुछ देर में बंद हो जाएगा। उस हिसाब से लाइक हमारे पास लगभग 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे में बंद हो जाएगा। और हमें वो 1 घंटे से मतलब नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा हमें ये देखना है कि हमें रिटर्न अभी पेलिंग जाना है, तो अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। असल में हमारा वक्त बर्बाद हुआ था, बीच में हम 15-20 मिनट जो है गलत रास्ते पे भी पहुंच गए थे, बिकॉज़ मैप तो चल नहीं जाता ना यहाँ उतना सही। तो आपको एंटर करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट वॉक करना है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना है, थोड़ा ही वॉक करना है। मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने में जो आपको दिख रहा है ये है लेक, किचुपरी लेक सामने में जो दिख रहा है सामने, जो यहाँ एंट्री नहीं है। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो एक व्यू पॉइंट है ऊपर में, अगर आप जो व्यू पॉइंट है वहाँ अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। 15 मिनट लगता है, 15 से 20 मिनट है, एंट्री नहीं है उधर। और एक्चुअली मुझे लगा था ना यहाँ से नीचे रास्ता है तो हम वहाँ सामने तक जाते हैं, मगर सामने जाने का रास्ता नहीं है। नहीं है रास्ता ही नहीं है, नहीं नहीं वो यहाँ से है मगर एंट्री नहीं है। बैड लक, हम नीचे नहीं जा पाएंगे, मतलब मेरा नीचे जाने का बड़ा दिल था। वी आर लिविंग चिचुपार्ली लेक, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई नो मैं गलत ही बोल रहा हूँ। एनीवेज अभी हम बढ़ रहे हैं पेलिंग की तरफ। अब हमें सिर्फ एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे रुकना है, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, वैसे लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। तभी हम पहुँचे हैं रिवर ऑरेंज गार्डन, ओपन टाइम 9 AM, क्लोज 4 PM। से बंद हो गया क्या? खुला है, 4:30 हो रहा है। तो फिलहाल हम आगे ही बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ हम आए तो थे रिवर ऑरेंज गार्डन, पता नहीं बंद हो गया है, 4 बजे तक ओपन रहता है, ऐसे भी इसका सीज़न नहीं है फिलहाल। यहाँ से अभी 15 किलोमीटर्स और बाकी है पेलिंग। एग्जैक्ट हमारा होटल का लोकेशन जो हमने डाला है, जहाँ पे सारा लोकेशन, जहाँ पे सारा होटल्स है, तो बहुत ज़्यादा दूर वैसे है नहीं, 15 किलोमीटर्स है, तो अबाउट 1/2 hour के अंदर अंदर वील रीच पेलिंग। बट देन देयर इज नो प्रॉब्लम, हमने होटल्स वैसे चेक किया नहीं है, मतलब 2-3 हमने देख रखा है मगर हमारी बातचीत नहीं हुई है। एंड देन अगेन और एक चीज़, जैसे युक्सोम में प्रॉब्लम हुई थी, पेलिंग में वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वहाँ लोग काफ़ी सारे जाते ही हैं, टूरिस्ट जाते ही हैं, तो वहाँ होटल्स भी काफ़ी सारा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी हमें मिल गया है एक पेट्रोल पम्प फाइनली, तो यार पेट्रोल भराएंगे, फुल करा लूँगा मैं, कार्ड हो जाएगा ना। 102 रुपये लीटर है। 188 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6.29 का दिया, ठीक है 29 का भी अगर पहाड़ों पे मिल गया तो अच्छा ही है, नॉट बैड यार। विल बी रीचिंग पेलिंग इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। सीला नॉर्फिल, आई थिंक दिस इज द वन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चल के देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं रूम्स। तो मैं वहाँ पे तो रूम्स मिला नहीं, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। तो अभी हमारा फाइनल हुआ है ये वाला होटल, गोल्डन सनराइज एंड स्पा पेलिंग। अभी सारा लगेज जो है एक बार में लेके जाऊंगा, हेलमेट तो पहना हुआ हूँ, टैंक बैग, टेल बैग, कौन से फ्लोर पे? यहीं पे। अच्छा
अच्छा ओके वो रहा हमारा रूम से होटल तो काफ़ी सही लग रहा है। सामने में वॉशरूम, जस्ट लुक एट द व्यू। कितना सही लग रहा है। फिलहाल के लिए इसको करते हैं बंद। टीवी भी लगा हुआ है क्योंकि मैं देखूंगा नहीं। यहाँ सामने का व्यू अच्छा है मगर ये ब्लॉक टाइप बिकॉज यहाँ पे भी एक होटल बना हुआ है। एनीवेज अब मैं आपसे फ्रेश होके मिलता हूँ।